हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री। आपको लग रहा होगा सर ऑर्गेनिक को भी फिलहाल ड्रॉप क्यों कर रहे हैं, तो फिलहाल ड्रॉप नहीं कर रहे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आपको मैं चाहता हूँ कि जितनी भी ऑर्गेनिक के मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं लगभग 25-30 के आसपास, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार ऑर्गेनोमेटल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे लेक्चर आप एक तरफ से देख लें, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग एक ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री खत्म करके उसके बाद हम लोग फिर से ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, इनऑर्गेनिक का जो तीन मेजर टॉपिक होता है, ठीक है, एक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, वो मैं आपको बहुत अच्छे से मैंने करवाया, आप उसको देखना। एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको समझ में आएंगे। बहुत प्राउडली फील करके मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना अच्छे से मैंने समझाया, शायद कोई आपको इस तरह से नहीं समझा सकता बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ये टॉपिक है ये आपको ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री, इसको हम लोग बहुत अच्छे से एक बार देख लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक लाइन इसके में आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि ये कोई चांस नहीं होगा कि इससे क्वेश्चन छूटेंगे। और तीसरा होगा हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये तीन टॉपिक जो है, बायो इनऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेशन और OMC, इन तीनों को मिला के लगभग 55-60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको एक सिक्वेंस में मैं तीनों को ख़त्म कर दूँ और भी साथ साथ ऑर्गेनिक को लेके चलता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक के भी मैंने 25-30 लेक्चर डाले, तो इन 30 लेक्चर्स के बाद आप अच्छे से देखिए, इनको कमांड कीजिए तब तक। बायो इनऑर्गेनिक में खत्म कर चुका हूँ, इसी बीच में मैं आपको ऑर्गेनोमेटलिक भी खत्म कर दूंगा, फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से कोऑर्डिनेशन को खत्म करके और एक तरफ से इनऑर्गेनिक में आपका पैक कर दूंगा। एक बचेगा DF ब्लॉक, उसको भी मैं बहुत जल्दी पैक कर दूंगा। अब आने वाले टाइम में मैं दिन में दो लेक्चर डालने का प्लान कर रहा हूँ कि सुबह एक लेक्चर, शाम एक लेक्चर, मतलब जस्ट लाइक कोचिंग क्लासेस की तरह, एक क्लास आप सुबह करेंगे, एक क्लास आप शाम को करेंगे। ओके, तीसरी बात ये है कि हम लोगों में एक कम्युनिकेशन गैप होता है, मतलब आप मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्वेश्चंस के लिए, तो उसके लिए मैंने एक ऑप्शन सोचा है कि एक कॉमन बुक निकालते हैं, ठीक है। जिनके क्वेश्चंस मैं यहाँ से करवाऊँ, आप उस बुक को आप, मैं PDF भेज दूँगा अपने मेरे ग्रुप में, मैं आप ऐड हो जाइए, मैं ग्रुप में बच्चों को ऐड करता रहता हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लिंक दे दूंगा उसका, ताकि आप उस लिंक पर जाके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। मैं आपको बुक्स सारी भेजता रहता हूँ, दो वीक में मैं बुक्स भेजता रहता हूँ ग्रुप्स में, ठीक है। तो आप उसमें लास्ट में वीडियो में दूंगा मैं आपको लिंक और आप उस पर ऐड हो जाना। खैर, तो आप एक काम करना कि अजय कुमार की आप ऑर्गेनोमेटलिक उठा लेना, ठीक है, उसकी बुक उठा लेना। हम लोग एक एक क्वेश्चन से सारे कर डालेंगे, मैं यहाँ से करवाऊँगा, आप वहाँ से करना, है ना। एक अच्छा कम्युनिकेशन गैप बनेगा, मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा हमारे बीच। जरूरी नहीं कि मैं आपको असाइनमेंट दूँ, चूँकि बहुत टफ होता है यूट्यूब पे आपको असाइनमेंट मटेरियल भेजना या पर्सनली आपको असाइनमेंट भेज पाना, लेकिन अजय कुमार सर की बुक से हम लोग सारे क्वेश्चन एक तरफ से कर लेंगे, उसके क्वेश्चन वन बाय वन करके हम लोग यहाँ से मिला लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री ये हमारा टॉपिक है, आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनोमेटलिक का मतलब ही होता है ऑर्गेनिक प्लस मेटल। देखिए, ऑर्गेनिक और मेटल, तो ऑर्गेनिक और मेटल के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक। ध्यान देने वाली बात है, बहुत रिलैक्स होकर समझिएगा, इतना आसान नहीं होता है इन टॉपिक्स को समझ पाना, एकदम पेशेंस के साथ आराम से। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, जितना रिलैक्स होकर सीखोगे, साइंस केमिस्ट्री एक तरह से एक मेडिटेशन की तरह होता है, जितना रिलैक्स हो जाओगे उतना आसान होता है सीखना। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है ना, छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने टाइम में सिखाना पड़ता है, A4 से बच्चे ज़ोर से चिल्लाते हैं, A4 एप्पल, B4 बॉल, C4 कैट, उन्हें 2102 का जो टेबल याद करना होता है उसके लिए पूरे स्कूल को उठा देते हैं कि भाई किसी क्लास में जो होता है नर्सरी क्लास के बच्चे 2102 का मतलब टेबल पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो वैसे वैसे साइंस सब्जेक्ट को हमें बिल्कुल अपनी अपने दिल में बसाना पड़ता है, अंतरात्मा में धारण करना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत रिलैक्स होकर चीज़ों को समझे, ठीक है। और किसी टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो इस बात का मैं ध्यान रखता हूँ कि स्टूडेंट इस बात को समझें कि इस टॉपिक के स्टार्ट में वो सबसे पहले ये समझे कि इस टॉपिक को हम पढ़ते क्यों हैं, इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, हमें एक प्लान हो हमारे पास इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री क्या है, कि ऑर्गेनिक प्लस मेटल, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड और प्लस मेटल के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री जरूरी क्यों है,
ठीक है, क्यों हमारी लाइफ में ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री कई तरह से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, मेडिसिन के रूप में, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड यूज़ होते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट के तौर पे बहुत सारे ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड यूज़ होते हैं, बहुत सारे रिएजेंट के तौर पे होते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारी लाइफ में। इसमें जो रिसर्च का जो फील्ड है वो बिल्कुल खुला हुआ है, बहुत सारे रिसर्च इस पर हो रहे हैं कंटिन्यूसली, अभी और भी होने, लगातार भी होते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट हैं जो बिल्कुल ट्रेमेंडसली चीज़ों को बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो हम यहाँ ये सीखें कि ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक प्लस मेटल के कॉम्बिनेशन से ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जैसे कुछ ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, एक सबसे बेसिक एग्जाम्पल आप देखें RMGX, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा, इसके बारे में इसलिए मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ा है बचपन से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपको याद होगा कि सपोज दैट हमारे पास, एक बार सीखिए इसको, सपोज दैट हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, क्या है हमारे पास, एकदम रिलैक्स, एकदम शांत हो जाइए, रिलैक्स होकर सीखिए। मान लीजिए हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड को हमने दे दिया मैग्नीशियम और साथ में दिया हमने क्या, ड्राई ईथर, ठीक है। अब इसके स्टेप्स को समझिए, यहीं से आपको ऑर्गेनोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट खुलेगा। देखिए, एक बात सोचिए बच्चे लोग, अगर हम कहीं रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, और हमारे पैर के नीचे केले का छिलका आ जाए तो क्या होगा, पक्का गिरेंगे हम। तो जस्ट वही वाली बात यहाँ पढ़ाती है, ये जो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, CH3CH2Br, इस ब्रोमीन की पोलैरिटी तो है, ब्रोमीन खींच रहा है CH2 से इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बॉन्ड टूट नहीं रहा है, इस बॉन्ड को टूटने के लिए कोई चांस नहीं है, ठीक है, इस बॉन्ड के टूटने के लिए कोई ऐसा है नहीं जो इसको प्रमोट कर दे। और वहीं पढ़ाता है ड्राई ईथर, जो केले के छिलके की तरह बिहेव करता है, और इसके कारण ये ब्रोमीन जो होता है आसानी से टूट जाता है, तो क्या बनता है भाई हमारे पास, CH3CH2+ और यहाँ पर Br-, ठीक है। चलिए स्टेप टू पे आइए। अब देखिए, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी, बट कोई नहीं, स्टेप टू में आइए। हमारे पास है मैग्नीशियम, अब देखिए मैग्नीशियम तो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, तो मैग्नीशियम ने क्या कि इलेक्ट्रॉन छोड़ा और साथ में दो इलेक्ट्रॉन छोड़े। अब हुआ क्या, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन लगा रोने की, अभी इलेक्ट्रॉन रो रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ। इसने मैग्नीशियम 2+ को बोला कि प्लीज़ भैया मुझे आप रख लो अपने पास। मैग्नीशियम बोला भागो यहाँ से, ऐसे कैसे रख लेंगे भाई, हम ऑक्टेट हो चुके हैं, अब तुम्हारी जगह मेरे पास नहीं है, जाओ उधर जाओ। अब ये दो इलेक्ट्रॉन रोते रोते Br-, के पास गया, बोला प्लीज़ Br-, रख लो मुझे। तो बोला यार मैं कैसे रख सकता हूँ, मेरा तो खुद का ऑक्टेट कंप्लीट है, माइनस चार्ज है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मेरा तो सवाल ही नहीं उठता कि तुमको रखने का, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करो, जाओ CH3CH2+ के पास जाओ। अब ये दो इलेक्ट्रॉन फुदक के गया CH3CH2+ के पास, इसको बोला कि प्लीज़ CH3CH2 भाई रख लो हमको। तो CH3CH2+ बोला कि देख भाई हम तो है कार्बन, बचपन से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं कि कार्बन की सहसंयोजकता चार होती है, ठीक है, कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉन लेते हैं चार इलेक्ट्रॉन और चार सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं, दैट मीन कार्बन कीप्स 4 इलेक्ट्रॉन शेयर एंड फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कि कार्बन तो चार इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड लेता है, तो इसका मतलब चार से कम होगा तब भी वो अनस्टेबल है, चार से ज़्यादा होगा तो भी अनस्टेबल है, मतलब अगर उस पर प्लस होगा तब भी वो अनस्टेबल है और अगर माइनस हो जाए तब भी अनस्टेबल है। तो फिर ये दो इलेक्ट्रॉन बोला हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो आप अभी भी अनस्टेबल हो, मुझे ले लो, इसी बहाने आप फिर से अनस्टेबल रहना, लेकिन कम से कम आप, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। तो ये मिथाइल बोला कि हाँ चलो ये बात सही है, हम तो ऐसे भी अनस्टेबल वैसे भी अनस्टेबल, तो एक काम करो तुम आ जाओ। और ये CH3CH2+ के पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये चले गए। अब ये जो चले गए तो CH3CH2- हो गया, ऑलरेडी फिर से ये अनस्टेबल ही रह गया, ठीक है, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसके साथ जाके जुड़ गए, ठीक है। अब बोलोगे सर प्लस था, दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस खत्म और एक और इलेक्ट्रॉन गया तो क्या हो गया, माइनस आ गया। अब जरा गौर से देखो, इन दोनों को कट करो, दो इलेक्ट्रॉन कट करो, देखो तो क्या हुआ यहाँ पर, CH3CH2Br और प्लस क्या, देखो यहाँ पर कौन, इसको क्या दिया गया है Mg, देखो, और क्या दिया गया है, ड्राई ईथर, और इसके एवज में क्या बना, CH3CH2-, और क्या बना, Mg2+, और क्या बना, Br-। चलो इसी को कहा गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। गौर से देखिए, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड,
एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को क्या कहा गया? इसको कहा गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये क्या हो गया आपको? ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो गया। अब एक और चीज़ समझ जाइए, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन तो गया लेकिन बहुत अनस्टेबल होता है। आपको पता नहीं होगा इस कंपाउंड के कारण कितने लोगों की जान जा चुकी है। अब बोलोगे सर उसके पीछे रीजन क्या है? तो भाई मेरे, ये CH3CH2- जो है ना, ये बहुत अनस्टेबल है। इसको पकड़ के कैच करके रखना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है इसको पकड़ के रखना, क्योंकि ये CH3CH2- जो है एल्काइल ग्रुप पे माइनस चार्ज है, तो ये अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और यही नहीं, लगभग 95% जितने ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं वो लगभग अनस्टेबल ही होते हैं, क्योंकि उसमें से एल्काइल ग्रुप जो होता है वो माइनस चार्ज के फॉर्म में होता है, जिसके कारण कि वो हमेशा भागने के चक्कर में रहता है कि भागो भागो भागो, कहीं अटैक करो, किसी कोई मिल जाए उसको पकड़ लो, कोई मिल जाए उसी पर अटैक कर दो। वो आपने एक मूवी देखी थी, एक मूवी थी किंग कॉन्ग, याद है? उस किंग कॉन्ग मूवी में एक बहुत बड़ा जो गोरिल्ला है, बहुत बड़े साइज का, उसको लोग पकड़ के ले आते हैं। ठीक है, पकड़ के तो ले आते हैं लेकिन उसको रखना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, वो बहुत तबाही मचाता है। तो वही वाली बात इसके साथ है, इसने बहुत लोगों की जान ली इस ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ने सिर्फ इसके कारण। ये एल्काइल ग्रुप क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में यहाँ पर टिका हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गलती से भी आपने इसको H+ का सोर्स दे दिया, पानी का सोर्स दे दिया कहीं से भी, तो ये CH3CH2- बोलेगा हाँ भैया अब हम चले, ये CH3CH2- किसी से भी एसिड से, वाटर से, कहीं से भी H+ लेके CH3CH2 के साथ H जुड़ जाएगा और ये एल्केन बन जाएगा। मेरी बात समझो कि अगर आपने गलती से भी इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट के कॉन्टैक्ट में, इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट के कॉन्टैक्ट में गलती से भी अगर आप वाटर को ले आए, मान लो H+OH- वाटर को ले आए या HCl को लेते आए, तो ये H+ इसके साथ जुड़कर एल्केन बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा? अब ये बच कौन गया? OH- Mg2+ Br- यूजलेस, टोटली यूजलेस, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं। तो वही वाली बात है कि किंग कॉन्ग भाग गया जंगल और उसका जंजीर बचा रह गया, किसी काम का नहीं है हमारे लिए। चलिए ठीक है, आप भी सोचिए कि सर ये आपने क्यों बताया? बस इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए, एक बार रिकॉल हो जाए कि ऑर्गेनिक में ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री के बारे में आपका नॉलेज क्या कहता है। ठीक है, आप क्या जानते हैं ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री के बारे में? अच्छा, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में ये था आपका कौन, यही जो पार्ट था यही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता था, जो कार्बन वाला पार्ट था वो पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता था। ठीक है, चलिए इसको ज़रा नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के बारे में सीखेंगे, कुछ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पर लिख के देखते हैं कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, जो है इस कैसे किस बिहाफ पे हम इसको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, RU डबल बॉन्ड C से H, यहाँ बेंजीन का PH, क्लोरीन क्लोरीन, ऊपर PCY3। CY समझते हैं क्या होता है? CY का मतलब होता है साइक्लोहेक्सेन, CY3 मतलब इस फॉस्फोरस से 3 साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है। ये पीएच क्या हो गया? फिनाइल बोले तो बेंजीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रब्स कैटलिस्ट या ग्रब्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, RU डबल बॉन्ड, उसी तरह H, यहाँ PH, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ पर PCY3, ऐसे यहाँ N, यहाँ N, यहाँ ऐसे, ये बेंजीन और ये भी बेंजीन। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट। अच्छे लोग, इसका नाम, इसको स्ट्रक्चर याद रखिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये एग्जाम में आपको जब कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, देखिए गौर से देखिए, ये रुदेनियम है, 2 क्लोरीन डबल बॉन्ड के साथ H और PH, नीचे PCY3, ऊपर PCY3, इसको 5 बार बोलिए तो क्या हो गया? ये ग्रब्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट। उसी में क्या हो गया रुदेनियम में? देखिए सेम 2 क्लोरीन डबल बॉन्ड के साथ HPH और नीचे PCY3, बिल्कुल सेम हो गया, बस ऊपर वाले PCY3 को हटा के इस स्ट्रक्चर को लगा देना। देखो एक 5 मेंबर रिंग लगाना, दोनों साइड नाइट्रोजन, दोनों साइड बेंजीन जोड़ना, बेंजीन के और दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगा देना? मिथाइल लगा देना। ये क्या कहलाएगा? ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट। और भी है भाई, और आपको है RH PPH3 Al3 Cl। देखिए रोडियम
पीपीएस थ्री। ये पीपीएस3 क्या है भाई? तो पीएच हो गया आपको बेंजीन, ये विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया विल्किंसन कैटलिस्ट। और भी कई सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं एक एक करके। जरा गौर से देखिए, ये ग्रस फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट हो गया, ये ग्रस सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट हो गया, विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया। उसके बाद टेट्राइथाइल लेड होता है, टेट्राइथाइल लेड। यानी कि ये लेड हो गया पीबी, इसमें 4 इथाइल। देखिए ये टेट्राइथाइल लेड हो गया। क्यों कहा गया इन सबको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहीं भी जो मेटल है उस मेटल के साथ कार्बन जुड़ा है। गौर से देखिए, ये देखिए मेटल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये देखिए कार्बन है यहाँ, ये कार्बन इस मेटल के साथ जुड़ा हुआ, देखिए कार्बन इस मेटल के साथ जुड़ा हुआ, देखिए कार्बन इस मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए मेटल है, ये इथाइल क्या है, कार्बन है, यानी कि कार्बन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आप बोलोगे सर ऊपर में तो नहीं है सर, ये तो रोडियम है, रोडियम तो मेटल होता है, और ये फॉस्फोरस है, क्लोरीन है। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जो इंस्टेंटली तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की तरह नहीं दिखेंगे, मतलब कार्बन और मेटल का बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन जब इनका प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिस काम के लिए यूज होते हैं ये कैटलिस्ट, जिस काम के लिए यूज होते हैं, वो प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो उसी प्रोसेस के बीच में वो कभी ना कभी कार्बन से बॉन्ड जरूर बनाएंगे। ये जो मेटल है ये कार्बन जरूर बॉन्ड जरूर बनाएगा, इसीलिए क्या कहा गया इसको भी, आपको जो है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहा गया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है सबसे ज़्यादा कि हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखें। चलिए तो हम सीखते हैं, सबसे पहला काम, सबसे ज़रूरी पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ठीक है, हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। देखिए बच्चे लोग, जैसे ये रहा मेटल, ठीक है, इस मेटल से कोई लिगेंड जुड़ता है, ये मान लीजिए H2O जुड़ा, या मान लीजिए CO जुड़ा, या मान लीजिए NH3 जुड़ा, या मान लीजिए कोई भी ऐसा न्यूट्रल लिगेंड जो कोई न्यूट्रल लिगेंड इसे जुड़ रहा है, इथिलीन डायमीन जुड़ा, NH2, CH2, CH2, NH2, कोई भी न्यूट्रल लिगेंड जुड़ा, तो भाई मेरे ये जो न्यूट्रल लिगेंड इसे जुड़ेगा अगर, तो इस पर चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड पे तो ऑलरेडी कोई चार्ज होता ही नहीं है। अगर न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज नहीं होगा तो वो मेटल पे चार्ज कैसे क्रिएट कर सकता है? तो इस केस में, इन सभी केसेस में क्या होगा, मेटल पे चार्ज जीरो होगा। लेकिन अगर यही मेटल किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब किसी अल्काइल ग्रुप से फेस से जुड़ता है, तो बात अलग हो जाएगी। सपोज कीजिए ये CH3 है, तो CH3 माइनस है, तो माइनस क्या करेगा, इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब अगर ऐसा होता है तो भाई आपको पता है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, को क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चार्ट। एक बार अच्छे से देख लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चार्ट को, ये देखिए, ये लिखे होते हैं हम एटम, और या हाइब्रिडाइजेशन, और ये लिखते हैं EN वैल्यू। एकदम इसको ध्यान से ज़िंदगी भर के लिए याद कर लीजिए, हर केसेस में, क्लास 11-12 से लेके हर एक क्लास में ये काम आएगा। देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन वैल्यू होता है 4, उसके बाद कौन होता है ऑक्सीजन 3.5, उसके बाद कौन होता है SP 3.25, उसके बाद होता है नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दोनों का 3, उसके बाद होता है कौन आपको ब्रोमीन 2.8, उसके बाद होता है SP2 हाइब्रिडाइजेशन 2.75, उसके बाद कौन होता है भाई, उसके बाद होता है आपको कार्बन सल्फर आयोडीन, एक ही बात है कार्बन सल्फर आयोडीन, तीनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होता है, कितना 2.5। उसके बाद नंबर आता है किसका, sp3 कार्बन का, जिसका वैल्यू होता है 2.48। उसके बाद नंबर आता है किसका, तो आपको फॉस्फोरस का, जिसका वैल्यू होता है 2.3। उसके बाद नंबर किसका आता है हाइड्रोजन का, वैल्यू होता है 2.1। उसके बाद नंबर किसका आता है मेटलॉइड का, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 होता है। उसके नीचे आता है कौन, मेटल, जिसका वैल्यू 1.8 से या उससे नीचे होता है। तो बच्चे लोग इस चार्ट को आप ज़िंदगी भर के लिए याद कर जाइए आप। ठीक है, देखिए ये सारा है एटम और ये उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कोई मेटल है, मेटल मान लो यहाँ है, कार्बन यहाँ है। ठीक है, तो कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, इस तरह अगर आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, खींचेगा इस तरह। तो इस तरह से मेटल पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। तो ये क्या कहा जाएगा, इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे मेटल एल्काइल। क्या बोलेंगे, मेटल एल्काइल। अगर ये मेटल है और ये कार्बन इस तरह से 2 बॉन्ड बनाता है इसे, तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो देखो यहाँ 2 माइनस, यहाँ 2 प्लस, तो ये हो जाएगा मेटल एल्किनाइल। ये एल्कीन है ना, तो ये एल्किनाइल हो जाएगा।
अगर ऐसा हो मेटल इसके साथ तीन बॉन्ड बनाए सी एच, तो अब ये तीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ मेटल पे प्लस थ्री और कार्बन पे माइनस थ्री, क्या कहलाएगा ये? मेटल एल्कीनाइल। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि ये चार्ट आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए, अगर जैसे कि हम एक एग्जांपल अभी लिखे थे, हमने लिखा था ग्रव्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट, हम उसको बनाने जा रहे हैं। देखिए, ग्रव्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट हमने अभी जैसे लिखा, ये रहा रुदेनियम, ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन PCY3, PCY3 डबल बॉन्ड H, और ये कौन PH। एकदम रिलैक्स होके देखिए बच्चे लोग, ये जो PCY3 है, PCY3 कैसा है? तो फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस में तीन बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन फॉस्फोरस तो न्यूट्रल होता है, इसका मतलब यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ, यहाँ भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन आपको तो पता है क्लोरीन Cl माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खींचा गया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खींचा गया, और ये देखिए ये कार्बन है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खींचा गया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खींचा गया, उससे आगे कहाँ खींचा उससे मतलब नहीं है हमें। मेटल और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर खींचा और दो क्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन खींचा, इसका मतलब रुदेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। तो यानी ये ग्रव्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। अच्छा, ग्रव्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट बनाते हैं, कैसे बताया भाई? रुदेनियम, ये देखो क्लोरीन, क्लोरीन नीचे PCY3 डबल बॉन्ड, ये H, ये PH, ये ऐसे, यहाँ ऐसे, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इसको बंद करो, यहाँ ऐसे रिंग बनाओ, ऐसे यहाँ यहाँ और यहाँ, एक और यहाँ भी रिंग बनाओ, यहाँ यहाँ और यहाँ। देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है, इसने खींचा, इसने खींचा, इसने नहीं खींचा, ये नहीं खींचेगा, ये खींचा और ये कार्बन है तो ये भी खींच लिया, अब जरा चेक करो इस पर कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +6। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के जो भी है उस तरह से मेटल के साथ बॉन्ड बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बात करें जो हमने विल्किंसन कैटलिस्ट देखा, मान लिया आपको रोडियम है, उससे PPS3 जुड़ा है, PPS3 जुड़ा है, PPS3 जुड़ा है, और ये Cl जुड़ा है, तब क्या करेगा? Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बाकी PPS3 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 ऑलरेडी फॉस्फोरस तीन बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इस क्लोरीन के कारण यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? +1, और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? -1। ठीक है, अच्छा ये मेटल है, मेटल के साथ यहाँ बॉन्ड बने, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब बस इस बॉन्ड से है। ठीक है, हमें जो मतलब है वो क्या है? इस बॉन्ड से है। अच्छा, मेटल के साथ अगर मान लीजिए जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCN, तो NaCN क्या ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है? बोलोगे नहीं सर, क्योंकि साइनाइड जो है वो इनऑर्गेनिक रिएजेंट है, अब इसका डिस्कस करने का टाइम नहीं कि क्यों ये इनऑर्गेनिक रिएजेंट है। ठीक है, क्योंकि ना तो ये हाइड्रोकार्बन, ना तो ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक रिएजेंट है। अच्छा, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, ये भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का पार्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए, देखिए अब हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो कि बिल्कुल समझ से बाहर वाली बात होती आज से पहले। ठीक है, अच्छा गौर से देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास कि CH3 CH2 एक मेटल से जुड़ा, अच्छी बात है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ आएगा माइनस चार्ज और यहाँ आएगा प्लस चार्ज। अच्छा, इसी CH3 CH2 के बदले में ऐसा ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एक, अब ये जुड़ गया फिर से मेटल के साथ। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ -1 और यहाँ क्या आ गया? +1। लेकिन अगर ऐसा होता बच्चे लोग कि ये पाई बॉन्ड जो है ये भी इंटरेस्टेड होता है इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देने में, जी हाँ, ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये बोलता है कि हम भी उस मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो उसके लिए ऐसा करना इसमें पॉसिबल नहीं है। गौर से देखिए, ये मेटल है और ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये तो इसको इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, देखिए जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिव गैप के कारण यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस आ रहा है, लेकिन अब ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये देखिए इस तरह, लेकिन जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि इस टाइप के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से किसी भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। एकदम रिलैक्स हो जाइए भैया, चार्ज का ट्रांसफर वहाँ होता है जहाँ चार्ज होता है, इस पाई बॉन्ड के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, और अगर इस पाई बॉन्ड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कैसे? और आपको पता है कि इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मेटल 1 2 3 कार्बन है,
और तीनों से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। गौर से देखिए, ये देखिए, ये रहा मेटल, एक दो तीन कार्बन, इन तीनों से मिला के इलेक्ट्रॉन जा रहा। देखिए ऐसे करके दे देंगे उसको हम, आई बात समझ में? देखिए ऐसे करके हम दे रहे हैं और बिल्कुल समझेंगे, चूंकि तीन है, तीन है और डबल बॉन्ड तो किसी दो के ही बीच बन सकता है, तो तीसरा तो उससे क्या होगा, इस तरह से बॉन्ड बनाए हुए होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाला। तो ऐसे केस में हम समझेंगे कि भैया इसके ऊपर क्या होगा, मेटल के ऊपर प्लस वन चार्ज होगा और इसके ऊपर क्या होगा, माइनस वन चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी में ऐसा होता, ये मेटल है, गौर से देखिए, और CH2 और ये CH2, ये वाला पाई बॉन्ड बोलता हम भी देंगे, ये वाला पाई बॉन्ड बोलता हम भी देंगे, तो इस केस में भी दे देता, आराम से देता, ये देखिए दे तो देता, लेकिन मेटल पे चार्ज नहीं आता, जीरो चार्ज देखिए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट को यूज नहीं कर रहा है। इसमें नेगेटिव चार्ज है कहाँ, देखिए यहाँ ना नेगेटिव चार्ज था, यहाँ तो है ही नहीं। अब इसी को फैक्ट एक और बात समझिए, सपोज दैट ये रहा हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है, ये रहा हमारा बेंजीन रिंग। आपको पता है बेंजीन रिंग किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हो सकता है कि ये सिर्फ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे, तो मेटल पे चार्ज अब भी क्या रह जाएगा, जीरो, क्योंकि पाई बॉन्ड के थ्रू दिया गया। अच्छा ये भी हो सकता है कि ये और ये दोनों, ये चार कार्बन, अभी तो दो कार्बन ने दिया मेटल को इलेक्ट्रॉन, अब एक दो तीन और चार कार्बन मिलकर इलेक्ट्रॉन दे मेटल को, तब भी चार्ज जीरो। और ये भी हो सकता है कि छः के छः कार्बन मिलकर मेटल को इलेक्ट्रॉन दें, तब भी ये चार्ज क्या रह जाएगा, जीरो। बट सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसको हाइड्रोजन हटा देते हैं इस बेंजीन से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं, हाइड्रोजन है ना हर जगह, इस हाइड्रोजन को हटा के मेटल को आप अगर इसके कार्बन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन आप हटाते हो तो बेंजीन पे क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा। आप बोलो नहीं सर हम बेंजीन से हाइड्रोजन नहीं हटा सकते, सर हम क्लास 11 12 से पढ़े हैं कि बेंजीन से हाइड्रोजन को हटाना बहुत मुश्किल है। बोले भाई मुश्किल है, इम्पॉसिबल थोड़ी है, ऐसा थोड़ी कि बेंजीन से हाइड्रोजन हटा ही नहीं सकते आप। तो मान लो बेंजीन से हाइड्रोजन हटा के मेटल को दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही वाली बात, मेटल पे क्या हो गया प्लस वन और पूरे रिंग पे क्या हो जाएगा माइनस वन। और अगर ठीक है, इसका क्या मतलब गौर से देखिए, ये देखिए इसका मतलब ये है भैया कि आप अगर बेंजीन को मेटल यहाँ से जोड़ते हो बॉन्ड से, ठीक है, आप इसको अगर बॉन्ड से जोड़ते हो तो आपको उसके ऊपर चार्ज देना होगा, ठीक है, आप उसको क्या करें चार्ज देना होगा। आप ऐसा ना करके उसके बॉन्ड के थ्रू ही जाते हो, गौर से देखो, आप ऐसा ना करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन देते हो, इसका मतलब कि आप किसी बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे, आपको पूरा रिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मेटल को, और इसका मतलब किस कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि बेंजीन पर ही चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, इसके सभी के छः हाइड्रोजन क्या है अपनी जगह पर सही सलामत है, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई इन छः हाइड्रोजन से, इसलिए क्या हो गया डायरेक्ट रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो यहाँ पर मेटल पे चार्ज जीरो, लेकिन यहाँ मेटल पे चार्ज क्या हो गया प्लस वन हो गया। तो बच्चे लोग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर बेंजीन, अगर जो आपको मेटल है, ठीक मिटा रहा हूँ मैं इसको, समझिए चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मेटल है, ठीक है, आपके पास एक मेटल है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन जब उसको दे रहे हो तो आप मेटल पे जीरो चार्ज भी रख सकते हो, और अगर बेंजीन से आप इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हो यहाँ से तो आपको प्लस वन चार्ज का भी ऑप्शन है। अब बोलो सर क्यों आप इस बात को इतनी बार बता रहे हैं, तो उस बात को हम इसलिए इतनी बार बता रहे हैं क्योंकि अब हम बात करेंगे फाइव मेंबर ड्रिंक की, सॉरी बहुत खांसी हो गई थोड़ी, अब हम बात करेंगे फाइव मेंबर ड्रिंक की, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे CP। तो भाई मेरे CP सबसे पहले तो ऐसा होता है, ठीक है, सबसे पहले CP क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब CP ऐसा टिकेगा नहीं क्योंकि ये तो नॉन एरोमेटिक है, गौर से देखिए ये CP तो नॉन एरोमेटिक है, तो ये CP क्या करेगा, एक हाइड्रोजन अपना छोड़ देगा, और एक हाइड्रोजन छोड़ने के बाद ये ऐसा बन जाएगा, गौर से देखिए, और ये क्या हो गया, अब ये एरोमेटिक हो गया। अब ये CP क्या हो, साइक्लोपेंटाडाइनाइल बोल रहे हैं, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन हो गया, ये तो साइक्लोपेंटाडाइन हो गया, और ये क्या हो गया साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन हो गया, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज आ गया है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ जब साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन आप बनाओगे, ठीक है, तो उस पर क्या हो जाएगा, उस पर तो आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी कर लो आप मेटल को यहाँ से जोड़ो, चाहे मेटल को आप यहाँ से जोड़ो, दोनों ही केस में इस मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आना ही आना है। आई बात समझ में, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको इतना डिटेल में कि भैया सॉरी
कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है, सॉरी साइक्लोहेक्सेन नहीं, बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के बीच से आप अगर मेटल को जोड़ते हो तो मेटल पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके कार्बन से जोड़ते हो तो चार्ज आएगा, लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि इस पे ऑलरेडी माइनस चार्ज आ चुका है। अब आप इसको बॉन्ड से जोड़ने की कोशिश करो चाहे इसके बीच से जोड़ने की कोशिश करो, चार्ज तो देना होगा। आ रही बात समझ में? चार्ज तो देना होगा, और इसमें एक ये कहीं भी जाए ये जुड़ेगा इसके बॉन्ड से ही, बीच से नहीं, ये जुड़ेगा इसके बॉन्ड से ही। खैर इस बात को भी ध्यान मत दीजिए, मैंने क्या बोला कि ये देखिए बेंजीन है, जीरो ऑप्शन भी है और प्लस वन भी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, प्लस वन होना ही होना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज डेट हम इसकी बात करते हैं, ये क्या है ये? आप बोलोगे सर ये तो साइक्लोब्यूटाडाइन है सर, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। हमने हाँ ये तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन एक बात सोचिए कि क्या एंटी एरोमेटिक को एरोमेटिक नहीं बनाया जा सकता है? आप बोलो सर कैसे बनाएंगे सर, इसका तो हाइड्रोजन भी नहीं निकाल सकते सर, हाइड्रोजन निकालने से भी रिंग के बाहर ही चार्ज रह जाएगा। हम बोले ठीक, अगर इस तरह कंपाउंड होता तो आप इसको एल्कली मेटल दे दीजिए। देखिए सपोज दैट्स को हमने एल्कली मेटल दिया, दो सोडियम दिया, अब ये दो सोडियम क्या करेगा, इसके बॉन्ड को इस तरह जाके क्या कर देगा, तोड़ेगा, ठीक है, और ये पूरी तरह से ये अलग कर देगा, और इसका ऑप्शन ये, इसका रीजन ये होगा, रीजन नहीं रिजल्ट ये होगा कि इसमें ऐसा कंडीशन आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये, और ये क्या हो गया एरोमेटिक। देखिए ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है, ये एरोमेटिक हो गया। कैसे भाई? अगर हकल सुन को भी फॉलो करें तो गौर से देखो, 4n+2 = 6, तो n इजिकल टू क्या हो गया 1, तो ये एरोमेटिक हो गया। लेकिन भैया इस पर कौन सा चार्ज आ गया, इस पर तो माइनस चार्ज आ गया, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर साइक्लोब्यूटाडाइनाइल से अगर आप मेटल को जोड़ना चाहते हैं तो माइनस टू है, तो भैया इस पर कितना चार्ज आ गया, प्लस टू। आप बोलोगे सर बेईमानी मत कीजिए सर, डबल बॉन्ड तो बना ही नहीं रहा। अरे डबल बॉन्ड नहीं बना रहा सर क्या मतलब है, इस जो रिंग है इस रिंग पे कितना चार्ज है? तो आप बोलोगे सर माइनस टू, तो इससे जुड़ने वाले मेटल पे कितना चार्ज आएगा, प्लस टू। अरे भैया उसी से तो वो मैनेज कर रहा है अपना, ठीक है, अगर यहाँ माइनस टू है तो वहाँ प्लस टू होगा। आगे देखते हैं, सपोज दैट कि हम एक ये ले लेते हैं, कॉट ले लेते हैं, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन ये है कॉट, COT कॉट, तो ये आपको पता है कि ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए कायदे से। देखिए 4n+2 = नहीं काम करता है, 4n = 8 आ जाएगा, गौर से देखिए, ठीक है, 4n = क्या होता है 8 हो जाए, जिसका मैं आपको इसका मैंने MOT के थ्रू इसका देखना सिखाया, मेरी एक टॉपिक है एंटी एरोमेटिक एरोमेटिसिटी, पीछे जाके जाइए आपको मिलेगा एरोमेटिसिटी, उसके बारे में पढ़िए बहुत अच्छे से, मैंने एरोमेटिसिटी के बारे में इतना डिटेल में बताया कि शायद आपको कोई भी ऐसा नहीं जो आपको इस तरह से एरोमेटिसिटी बता दे। आप पढ़ना और फिर मुझे कमेंट करना कि आपने एरोमेटिसिटी सीखा कि नहीं, ठीक है, गारंटी है इसमें आज इस उस लेक्चर को देखने के बाद आपको एरोमेटिसिटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब मैंने बताया वहाँ पर। तो सपोज कि ये एक एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो अब प्रॉब्लम ये कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इसको क्या कर दोगे, इसको दो सोडियम दे दो, जब दो सोडियम दे दोगे तो ये अब कैसा हो जाएगा, ये देखो अब इस पर माइनस चार्ज हो जाएंगे, गौर से देखो, दो इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या हो जाएगा, दो माइनस चार्ज आएगा ना, मान लो इस बॉन्ड को हम बीचों बीच तोड़ देते हैं, कैसे कैसे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा देंगे, तो कैसा हो जाएगा, अब तो ये एरोमेटिक हो गया। लेकिन एरोमेटिक से क्या मतलब है, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर भी क्या है, दो माइनस चार्ज है, और अगर आप यहाँ मेटल को जोड़ना चाहते हैं बच्चे लोग, इसका मतलब है कि इस मेटल पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस टू चार्ज। अरे बात समझ में, कि अगर आप यहाँ मेटल को जोड़ना चाह रहे हैं तो इस मेटल पे कितना चार्ज आएगा, तो इस मेटल पे आ जाएगा आपको प्लस टू चार्ज। ओके नोट कीजिए इसको। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले। देखिए मैं अपने उसके लिए नोट्स बना रखा है मैंने, Fe CO Hall 4 2 minus, Fe2 CO 9, ठीक है, FeCN6K4, Fe3 CO Hall 12, ठीक है। चलिए इन सब का पहले जो है हम लोग देखेंगे, ये Fe CO Hall 4 2 minus को क्या है, इसका स्पेशल नाम है कोलमैन रिएजेंट, याद रखिएगा ये क्या है, कोलमैन रिएजेंट। चलिए चेक करते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाइए, कैसे चेक करेंगे भाई, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एक्स है, CO आपको पता है कार्बोनल जीरो होता है क्योंकि न्यूट्रल ऑक्सीडेशन लिगेंड है, इनटू 5 और टोटल क्या हो गया जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का जीरो। चलिए इस FeCO Hall 4 पे आइए, आयरन का एक्स, CO का जीरो इंटू 4, लेकिन उस पार में कितना चार्ज है, माइनस टू, देखो
उस पर में क्या हो गया माइनस टू, इसका मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया यहाँ पर माइनस टू हो गया। Fe2CO9 देखो Fe2CO9 आयरन का 2 × x, CO क्या हो गया आपको 0 × 9 = 0, तो x = क्या हो गया 0, ये देखिए 0। K4FeCN6 आयरन का x है, पोटेशियम का +1 × 4 आयरन का x, साइनाइड क्या हो गया -1 × 6 = 0, तो x = क्या हो गया आपको निकाल के देखिए +2 आ जाएगा। Fe3CO12 Fe3 मतलब 3 × x, CO का क्या हो गया 0 × 12 = क्या हो गया 0, तो x = क्या हो गया आपका 0। तो डियर स्टूडेंट्स इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालना सीखा, पहले एक बार जरा गौर से देख लीजिए इन स्ट्रक्चर्स को, ठीक है एक बार देखिए नोट कीजिए बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है चलिए इसको मिटा रहे सबसे पहले। चलिए और एग्जांपल करते हैं, पहले मैं एग्जांपल नोट कर रहा हूँ, आप एक काम करना आप उसको नोट कर लेना पहले, ठीक है, और नोट करके बनाने की कोशिश करना, उसके बाद फिर मैं आप देखना कि हाँ आप फिर मेरे से मैच करना। चलिए कुछ एग्जांपल बनाते हैं, चलिए अभी नोट करते चलिए, ये देखिए चलिए पहले इन कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं, एक और एग्जांपल ले, चलिए सबसे पहले इतनी एग्जांपल्स करते हैं, पहले हम लोग इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालना सीखते हैं, ठीक है चलिए देखिए आप लोग रुक जाइए नोट करके आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, चलिए ठीक है हम करते हैं। ये देखिए आयरन है, ऊपर आपको पता है साइक्लोपेंटाडाइन है, किसी रिलीफ की जरूरत नहीं है, ऊपर -1 CO CO0 और एक इथाइल है ये भी -1, तो ऑटोमेटिकली आयरन पे कौन सा चार्ज आ गया +2। देखिए सीखिए इसको बहुत ज़रूरी है, इस पर आ जाइए Fe+2 करने की बात ही नहीं है, अगर ना भी देते तो आपको पता चलता ऊपर -1 नीचे भी -1, तो आयरन पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाता +2 आ जाता। यहाँ इरिडियम आइए, ऊपर तो खींच ही रहा है तो ऊपर -1, तो भाई इरिडियम पे +1, और ये दो पाई मतलब पाई बॉन्ड है तो दो खींचा तो यहाँ पर आएगा +2, लेकिन ये तो PME3 है ना, मतलब फॉस्फोरस है न्यूट्रल, ये तो कॉन्डेंट बन रहा है, ये देखिए ME ME ME, ये देखिए कोई ऑर्गेनिक पार्ट तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए क्या हो गया +2 +1, तो इरिडियम पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया टोटल +3। अच्छा चलिए इस पर आ जाइए, ये W भाई 1 2 3 3 तो उधर ही खींच लिया तो +3 तो यहीं से आ गया, और ये ऑक्सीजन भी खींचता है 1, लेकिन ऐसा 3 ऑक्सीजन है तो 3 इधर भी खींच लिया, तो टोटल आयरन और टंगस्टन पे टोटल कितना चार्ज हो गया तो +6। इस पर आ जाओ, एक यहाँ खींचा एक यहाँ खींचा तो +2 आया, एक ऊपर खींच लिया एक और +2 आ गया +1 आ गया, और ये सी और PPS3 कोई नहीं खींचता, इसका मतलब इस आयरन पे टोटल कितना चार्ज हो गया +3। तो बच्चे लोग एक बार मिलाइए और चेक कीजिए कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। ओके और एग्जांपल देखते हैं, PD PPS3 Hall 4 नंबर ए लीजिए, नंबर बी PB OAC Hall 2, नंबर सी PD PH BR, नंबर डी PD DBA Hall 2, उसके बाद जो हो गए E PD PPS3 Hall 2 CL और CO, ठीक है देखिए सबसे पहले बात करते हैं PD PPS3। भैया PPS3 क्या है, P फॉस्फीन मतलब बेंजीन, तो इसके सवाल ही नहीं होता, तीन बॉन्ड बना रहा है, तीन बॉन्ड और इधर एक लोन पेयर, तो ये तो न्यूट्रल है, तो चलो अगर न्यूट्रल है तो यहाँ 0, ठीक है। OAC क्या है भाई, ये CH3 सी डबल बॉन्ड O, ये है ठीक है, तो भैया यहाँ तो माइनस चार्ज होता है, अगर यहाँ माइनस चार्ज होगा तो लेड पे क्या होगा
दो माइनस के एवज में दो प्लस, देखो अगर यहाँ एक माइनस है दो माइनस के एवज में दो प्लस। पीएच और बीआर भैया क्लियर है, ये देखो पैलेडियम है, एक बेंजीन जुड़ा हुआ है और एक बीआर जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों कारण यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस टू। डीबीए, अब ये डीबीए क्या है गौर से देखो, डबल बॉन्ड ओ, देखिए ये भाई ये दोनों मिलके मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कौन है बेंजीन, बेंजीन ये है डीबीए, ठीक है, ये है डीबीए, 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 ठीक है। चलिए तो अगर ये डीबीए देखिए न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल है तो क्या चार्ज होगा इसके ऊपर, जीरो। अच्छा पीडी पीपीएससी, भाई पीपीएससी से कोई उम्मीद मत कीजिए, पीपीएससी न्यूट्रल है, सीओ भी न्यूट्रल है, लेकिन सीएल पे माइनस होता है, इसलिए पैलेडियम पे क्या हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं, आईआर पीपीएस थ्री सीओ सीएल, ठीक है, और देखते हैं एक आपको के पी टी सी एल थ्री सी टू एच फोर, ठीक है। देखिए बच्चे लोग ये जो है, ये है आपका वस्कस कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी की जो क्लास है इसमें जितने हमने बताए आपको ऑर्गेनोमेटलिक रिएजन इसको सब आप नोट कर लीजिएगा, ये हो गया आपका वस्कस कॉम्प्लेक्स, और ये जो है के पी टी सी एल थ्री सी टू एच फोर, ये हो गया जीसस सॉल्ट, ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी सीखते हैं। हाँ वस्कस कॉम्प्लेक्स हमेशा ट्रांसफॉर्म में होता है, ये ध्यान रखिएगा, वस्कस कॉम्प्लेक्स कैसे होता है ट्रांसफॉर्म में। तो चलो ये रहा इरिडियम पीपीएस थ्री, पीपीएस थ्री, ये रहा सीओ और ये रहा सीएल, ये ट्रांसफॉर्म हो गया ना, तो देखो सीओ तो नहीं खींचेगा लेकिन सीएल तो खींचेगा, और पीपीएस थ्री पीपीएस थ्री नहीं खींचेगा, इसका मतलब इरिडियम पे कौन सा चार्ज आ गया प्लस वन, देखो इरिडियम पे कौन सा चार्ज है प्लस वन। अब इसकी बात करें के पी टी सी एल थ्री सी टू एच फोर, तो ये रहा प्लेटिनम तीन क्लोरीन और ये रहा सी टू एच फोर, ठीक है, क्या हो गया सी टू एच फोर ऐसे होगा, गौर से देखिए, अरे भैया सी टू एच फोर है इथीन है ना, तो इससे तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, सी टू एच थ्री होता तो वो सोचते भी सिग्मा बॉन्ड बनाने के, लेकिन सी टू एच फोर है ये तो ऐसे देगा, तो इसके कारण भी कोई चार्ज नहीं आया, लेकिन चूंकि के पे प्लस है इसलिए पूरे सिस्टम पे क्या होगा एक माइनस होगा, ठीक है, इस पूरे सिस्टम पे क्या होगा, अगर के पे प्लस है, देखिए के पे प्लस है, इस पूरे सिस्टम पे क्या होगा एक माइनस होगा, और अगर पूरे सिस्टम पे माइनस होगा बच्चे लोग तो क्या करोगे फिर आप, गौर से देखो, इसने खींचा इसने खींचा इसने खींचा, अब क्या करेंगे भाई, अब पोटेशियम घटा दो, आपको पता है वहाँ माइनस आ चुका है, तब क्या करोगे प्लेटिनम के लिए एक्स, तीन क्लोरीन के लिए माइनस वन इंटू थ्री, सी टू एच फोर के लिए जीरो और इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन, तब क्या कर सकते हो एक्स माइनस थ्री उस पर गया तो प्लस थ्री बनेगा, तो बचेगा कितना प्लस टू, इसका मतलब इस प्लेटिनम पे कितना चार्ज है प्लस टू, तो जीसस सॉल्ट में क्या हो गया प्लेटिनम पे कितना चार्ज हो गया आपका प्लस टू हो गया, ठीक है। तो रियल स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने आपको सारे कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया, अभी और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं लेकिन आप उनका खुद से ट्राई करो, ठीक है, बुक उठाओ कोई भी बुक उठाओ और उसमें जितने भी ऑर्गेनोमेटिक रिएजेंट के जो दिए हुए हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट आप उसको पूरा कर जाओ। रियल स्टूडेंट्स अगर आप मेरी बात नहीं समझोगे मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, ठीक है, फिर आप एक दो लेक्चर देखने के बाद ही बाद में लेक्चर आप बोर हो जाओगे, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ऑर्गेनोमेटलिक कोऑर्डिनेशन और ये बायनऑर्गेनिक इन तीनों को मिला के आपको 60 मार्क्स आने हैं तो मैं आपको इन तीनों को मिला के 50 मार्क्स लाने के लायक बिल्कुल मैं आपको बना दूंगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, पीके सिद्धांत दे रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय।